आज का चैप्टर है पशु कारिकी। ये दो शब्दों से बना, पशु और कारिकी। कारिकी मतलब होता है कार्य, कार्य मतलब काम। अब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पशु शारीरिकी देखी, शरीर की संरचना, है ना। तो उस शरीर के हर एक हिस्से का क्या काम है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में पशु कारिकी। सो चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी पहले मैं बता रहा हूँ। इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये तंत्र है, इन तंत्रों को हमको पढ़ना है। तो ये तंत्र बने कहाँ से, पहले उसको समझना है। तो हमारा जो पूरा शरीर है वो बहुत छोटी छोटी इकाइयों से बना है, और उस हर एक छोटी इकाई को कहा जाता है कोशिका। जैसे घर ईंटों से बना है, तो घर अगर शरीर है तो ईंट क्या है, उसकी कोशिका है। तो इसी तरह से हमारा शरीर जो है वो बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। तो कोशिकाएं क्या है, शरीर की सबसे सूक्ष्म तंत्रिका, हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग, हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग जो है, जो जीवित है, जिसमें प्राण है, दैट इज कॉल्ड कोशिका। अब कोशिका जीवित भी रहती है, मृत भी होती है, क्लियर। ओवरऑल ये है कि शरीर की सबसे सूक्ष्म तंत्रिका को क्या कहा जाता है, कोशिका, क्लियर। अब ये कोशिकाएं, अब क्योंकि कोशिका तो बहुत छोटी है, कोशिका सीधे सीधे मिल के एक पूरा का पूरा शरीर नहीं बना सकती, है ना। कोशिका एक पूरा का पूरा शरीर नहीं बना सकती, इसलिए वो कोशिका, छोटी छोटी कोशिका जो है वो एक साथ मिलके एक छोटा सा यूनिट बनाते हैं, मतलब एक समूह। तो कोशिकाओं के समूह जो बनते हैं उनको कहा जाता है ऊतक। तो ऊतक क्या है, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना, जैसे हमारी जाति कैसे बनती है, जाति कैसे बनती है। अगर यादव समाज के हैं तो यादव समाज के लोगों का एक अलग समुदाय होता है ना, और उस समुदाय वालों की शादी उसी समुदाय वालों से। वैसे ही कोशिकाएं, कोशिका जो है वो बहुत सारी कोशिकाएं मिलते तो हैं, लेकिन सारी कोशिकाएं नहीं मिलती। ऐसी कोशिकाएं जिनकी संरचना, मतलब जिनका जन्म एक ही खानदान में हुआ है, मतलब एक ही काम करने के लिए हुआ है, और जिनका कार्य एक है। तो ऊतक ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनकी संरचना और कार्य एक समान है, क्लियर। अब ये बताओ, आंख वाली कोशिकाएं कान वाला काम कर पाएंगी, नहीं। नाक वाली कोशिकाएं सिर वाला काम कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हर कोशिकाओं का काम अलग होता है, और जो कोशिकाएं एक जैसा काम करती हैं वो जुड़ती जाती है, और वो क्या बनाती है, ऊतक। तो कुल मिला के ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है, ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनकी संरचना और कार्य एक समान होता है, काम और बनावट एक जैसे होती है, क्लियर। अब ऊतक ऐसा समूह हो गया। फिर आते हैं अंग। अंग क्या है, ऊतकों के समूह को कहा जाता है अंग, ठीक। ऊतकों के समूह को कहा जाता है अंग। अब इस अंग में जरूरी नहीं है कि सारी कोशिकाओं की उत्पत्ति एक समान हो, क्योंकि वो ऊतकों से बनी है, तो ऊतक इसमें एक समान है। तो अंग जो है वो ऊतकों का समूह है। अब कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग बने। अब बहुत सारे अंग आपस में जुड़कर अंग तंत्र बनाते हैं। तो कुल मिला के अंगों के समूह को क्या कहा जाएगा, क्या, अंग तंत्र, क्लियर। अब सपोज हमने क्या किया, ये एक कोशिका है, अगर ये एक कोशिका है मान लो, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ये क्या बनाएगी, ऊतक बनाएगी। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी, ये ऊतक बनाएगी। अब ये ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, एक ये ऊतक और ये ऊतक, ये मिलके क्या बनाएंगे, एक अंग, ये सेल, टिश्यू, टिश्यू मतलब कोशिका, फिर ये ऑर्गन। बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक बना रही हैं, ऊतक से बना है अंग, अंग से बनेगा अंग तंत्र। हो गया अंग तंत्र, क्लियर। तो इस तरह से बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर में होते हैं।
पशु के विषय में। कुल मिला के हम जब तंत्रों की बात करेंगे तो कौन कौन से तंत्र इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है पहला पाचन तंत्र। इट मीन्स जब पचने पचाने खाने खिलाने वाली बातें होती हैं तो वो इसमें आते हैं पाचन तंत्र में। दूसरा है प्रजनन तंत्र। प्रजनन क्या है? जनन करने वाले अंगों का कार्य जिस तंत्र में पढ़ाया जाता है वो है प्रजनन तंत्र। क्लियर? जनन मतलब जन्म देना, पाचन मतलब पचाना, पचाते किसको है, खाने को पचाते हैं। तीसरा श्वसन। श्वसन का अर्थ होता है सांस लेना और छोड़ना, तो सांस लेने की प्रक्रिया का अध्ययन किसमें हम करेंगे, श्वसन तंत्र में। फिर आता है रक्त परिसंचरण। रक्त मतलब खून, परिचरण संचरण फैलाव। हमारे शरीर में या पशु के शरीर में खून का फैलाव कैसे है चारों तरफ, उसको पढ़ते हैं इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बाद आता है दुग्ध श्रावण। अब जो मैंने गौ पशुओं के बारे में लिखा है, गौ पशु मतलब गाय, गाय दूध देती है, तो उसमें दूध का निर्माण कैसे होता है, दूध कहाँ से निकलता है, कहाँ जमा होता है, कहाँ बनता है, वो सब पढ़ेंगे इसमें दुग्ध श्रावण। क्लियर? इसके बाद इन सब को चलाने वाला जो तंत्र है, जो इनकी वायरिंग करता है, वो वायरिंग कौन करता है, ये तंत्रिका तंत्र। क्लियर? यहाँ से करंट आता है, करंट मतलब संवेदना। जो भी मोशन आप करते हैं, अगर मैं यहाँ छू रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये रफ है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, तो ये संवेदना कहाँ से आ रही है, इस इन उंगलियों से, और वहाँ से वायरिंग की हुई है कहाँ तक, हमारे मस्तिष्क तक, दिमाग तक। तो उस वायरिंग के जरिए मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है, एक बोर्ड है और रफ है, तो वो काम कौन कर रहा है, ये तंत्रिका तंत्र कर रहा है। अब ये सब जिस फ्रेम में बने रहते हैं, जिस एक ढांचे में लगे रहते हैं, वो है ये कंकाल तंत्र। कंकाल मतलब हड्डियों का ढांचा या हड्डियों की संरचना के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र। क्लियर? तो इससे पहले हमने बहुत सारे तंत्र देखे, बहुत सारे तंत्र तो हो गए, उनमें से सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या है? हमारे शरीर का ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जो भोजन को खाता है, मतलब तो भोजन ग्रहण करता है, पचाता है और बाहर निकालता है। क्लियर? तीन काम, भोजन को ग्रहण करना, पचाना और फिर आवश्यक जो चीज़ें हैं उनको अवशोषित करके बाकी वेस्ट जो व्यर्थ है उसको बाहर निकालना। ये काम जो भी करता है हमारे शरीर का जो तंत्र करता है, वो तंत्र क्या है, पाचन। अब पाचन तंत्र को मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं, मतलब मेनली दो पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला क्या, आहार और दूसरा हेल्पिंग, सहायक पाचक अंग। अब आहार नाल जो है ये मुख्य अंग है। कैसे मुख्य अंग है? ये हमको पूरा का पूरा पता रहता है कि मुंह से लेकर पेट से होते हुए एनस गुदा द्वार से मल त्याग करने के बीच में जितना भी सिस्टम आता है वो सब क्या है, वो इस आहार नाल का है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ एक पाइप है, हमारे मुंह से लेके एनस तक पूरा का पूरा एक पाइप है, इसलिए उसको कहा गया है नाल। और क्योंकि इसमें आहार जाता है इसलिए इसको कहा गया है आहार नाल। ठीक? अब आहार नाल के क्या क्या भाग है? आहार नाल के भाग में आते हैं मुख, मुंह। अब मुंह के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मुंह के अंदर दांत है, जीभ है, लार ग्रंथि है ना, वो सब किसमें आएंगे, क्योंकि वो हमारा मेन नहीं है, वो सहायक पाचक है। तो ये दांत, जीभ और लार ग्रंथि, ये तीनों किसमें आ जाते हैं, मुख के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको सहायक में रखा गया है। मुख्य अंग अंग जो है वो मुख है, मुंह। तो हम आहार नाल की बात करेंगे, सिर्फ आहार नाल की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है मुंह। मुंह का क्या काम होता है? मुंह का काम होता है एंट्री करना। किस चीज की? भोजन की। भोजन की एंट्री, भोजन का प्रवेश किससे होता है? मुंह से होता है। फिर मुंह में मुंह चबता है, पीसता है, लार ग्रंथियां लार श्रावित करते हैं, मिलाती हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और क्या करता है, ग्रसनी। ग्रसनी का मतलब हमारा ये फेरिंग्स वाला हिस्सा, ये क्या करता है, ये बाकी सब जो है ना वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मुख के बाद खाना गोलकों के रूप में, मतलब ये
जो है मुख से खाना जब पीसता है तो वो आगे आता है किसकी तरफ, ग्रसनी की तरफ। सो मुख से खाना सीधा आता है ग्रसनी की तरफ, ग्रसनी आगे उसे धकेलता है और फिर खाना जबा हुआ और पिसा हुआ खाना कहाँ आता है, ग्रास नली की तरफ। जब ग्रास नली की ओर खाना आता है तो ये ग्रास नली लंबी सी नली होती है ना, वो ग्रास नली आगे धकेल देती है आमाशय को, और आमाशय को चार भागों में बांटा गया है। ये इमेज के थ्रू मैं आपको बाद में फिर बताता हूँ आमाशय को चार भागों में कैसे बांटा गया है, रूमेन, रेटिकुलम, ओवसम और एबोवसम। अब ये आमाशय का मतलब होता है पेट, किसी गाय का पेट इन चार भागों में बांटा रहता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ गाय का ही रहता है, इसमें एक भाग है आमाशय में उसको कहा जाता है रूमेन। ये रूमेन सबके में नहीं होता, सारे पशुओं के में रूमेन नहीं होता, जिनके में रूमेन होता है उनको कहा जाता है रूमिनेट, और जिनके में ये रूमेन होता है वो जुगाली करते हैं। वो कैसे होता है वो मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक। सिर्फ इतना समझिए आमाशय चार भागों में बटा है, रूमेन, रेटिकुलम, ओवसम और एबोवसम। इसके बाद ये पेट है, आमाशय सिर्फ पेट है, पेट से आगे आता है चोटियाँ। छोटियाँ में क्या होता है, सारे पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है, उनको खींच लिया जाता है। पोषक तत्व खींच लिए गए मतलब जो बाकी बचा है वो बेकार है, वेस्ट है, तो वो वेस्ट जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में जब वेस्ट जाता है तो उस वेस्ट में से जितना और थोड़ा बहुत जो भी बचा है वो अवशोषित हो जाता है, और फिर लास्ट में गुदा द्वार, जिसको एनस कहा जाता है, वहां से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आहार द्वार की बात। अब सहायक पाचक अंग में क्या क्या है, दांत, जीभ और लार, तीनों में, ये तीन किसमें होते हैं, मुंह में होते हैं। इसके अलावा यकृत, यकृत जिसको आप लिवर भी कहते हैं, वो लिवर पेट के ऊपर जुड़ा होता है, मतलब पेट में ही होता है अंदर, और फिर उसमें एक छोटा सा होता है अग्नाशय, क्लियर। तो ये सहायक पाचक अंग है। अब किसी जुगाली करने वाले, जुगाली मतलब गाय को देखा है आपने, वो क्या करती है, उसका मुंह जलते रहता है भले वो सूखे ग्राउंड में क्यों ना, तो वो उसका मुंह जलते रहता है मतलब वो कुछ खा रही है। उसका खाना अगर वो किसी बीहड़ में भी है, किसी गलत जगह फंसी है जहाँ उसके लिए खाने के लिए कुछ है भी नहीं, तो भी उसका मुंह क्यों चलते रहता है, क्योंकि वो खाना स्टोर करके रखे। कैसे, सबसे पहले देखो, ये सपोज एक गाय का पाचन तंत्र है, तो वो इस तरह से बटा होता है अलग अलग खाना। सबसे पहले जब वो घास खाती है तो वो इस मुंह से चबाती है, वो अंदर जाता है मुंह से, वही घास या वही खाना अंदर जाता है ग्रसनी की तरफ। ग्रसनी इसको धक्का देकर पहुंचाता है ग्रास नली में, ग्रास नली के जस्ट बाहर आता है इसका, इसके पेट का पहला भाग, क्योंकि ये इतना जो हिस्सा है ना, ये सिर्फ इसका पेट है, तो इसके पेट का पहला भाग जो होता है रूमेन। ये रूमेन क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है खाने को, पहले जल्दी जल्दी वो निकल जाता है, निकलने के बाद ये रूमेन जो है ये सिर्फ खाने को स्टोर करता है, समझे। अब जब ये खाने को स्टोर करता है तो इसको फिर बाहर, जब ये खाती है इसको बाहर तक तो फिर से ले जाती है, वहाँ चबाती है और फिर आगे देती है, क्लियर। तो अब खाना आ गया कहाँ, रूमेन में, रूमेन से वापस खाना कहाँ जाएगा, मुंह में। जब वो चलने जाती है तो वो सारा खाना रूमेन में इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद फिर वो खाना वापस जाता है मुंह में, मुंह में जाता है, फिर वो खाने को चबाती है उसमें, और पाचक तत्व जो लार ग्रंथि में होते हैं वो मिल जाते हैं, फिर खाना जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली, उसके बाद जाता है रेटिकुलम, क्लियर। तो रेटिकुलम में अब खाना आ गया रूमेन से रेटिकुलम में, हालांकि चबाने का प्रोसेस इधर हुआ लेकिन रूमेन से फिर रेटिकुलम में आ गया। तो इसकी संरचना कैसी होती है, रूमेन की संरचना जो होती है वो टर्किश टॉवल की भांति, टर्किश टॉवल आप लोग भी यूज़ करते हैं, हैंकी देखे आप, जिसमें रेशेदार टॉवल जो मोटा होता है जिससे नहाते वक्त आप पोछा पाछी करते हैं, वो टर्किश टॉवल है। तो वैसी संरचना किसकी होती है, इस रूमेन, रूमेन में खाना स्टोर होता है और वो टॉवल जो है वो थोड़ा सा हेड
एडजस्ट करने का काम करता है खाने को। फिर ये खाना आता है रेटिकुलम। अब रेटिकुलम क्या है? रुमेन के बाद वाला हिस्सा थोड़ा सा, वो रेटिकुलम। रेटिकुलम की संरचना कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा है, देखा है? ये ऐसा, ये मैंने बनाया हुआ छत्ता है इसलिए ऐसा होता है। मधुमक्खी बनाती तो अच्छा होता है ना। तो ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसे संरचना होती है किसकी? रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद वही खाना जाता है कहाँ? ओमेसम। अब ओमेसम क्या है? पेट का तीसरा भाग। ये पहला भाग रेटिकुलम, दूसरा भाग ओमेसम, तीसरा भाग। इसकी संरचना गोलाकार, ये गोल होता है, मैंने गोल बनाने की कोशिश की है। और इसकी आंतरिक संरचना जो होती है वो पुस्तक की तरह होती है, किताब की तरह। देखो ये मैंने पढ़ने बनाया, तो यहाँ खाना और ज़्यादा पिस जाता है। तो अभी तक सिर्फ पिसाई का काम हो रहा है, यहाँ पिसाई हुई, यहाँ धक्का दिया गया, यहाँ फिर से पिसाई हो रही है ओमेसम में। ओमेसम के बाद लास्ट में जिस पेट में खाना इकट्ठा होता है पूरा काम खत्म होने के बाद, तैयार होने के बाद, वो है ये एबोमेसम। क्योंकि असली पाचन की क्रिया इस एबोमेसम में ही होती है। तो खाना अभी तक प्रोसेस हुआ, दांत से चबाया, रसोई से गैस निकली, गैस निकली से रूमेन, रूमेन में स्टोर हुआ, रूमेन में स्टोर होने के बाद फिर से चबाई, चबाने के बाद आया कहाँ? रेटिकुलम में। रेटिकुलम की संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे, रूमेन की संरचना टर्किश टॉवल जैसी। ठीक, ये याद रखें, रूमेन की संरचना टर्किश टॉवल जैसी, रेटिकुलम की संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी। इसके बाद खाना आता है ओमेसम में। ओमेसम का आकार गोल, और वो उसकी आंतरिक संरचना कैसे होती है? पुस्तक जैसी, किताब जैसी। उसके बाद आता है खाना किसमें? एबोमेसम। एबोमेसम में, एबोमेसम में ही असली पाचन की क्रिया होती है, और इसका आकार दीर्घ वृत्ताकार होता है, मतलब ये भी गोल होता है। तो क्योंकि असली पाचन यहाँ होता है एबोमेसम में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सत्य आमाशय। हमारा जो पेट है, पेट ही तो आमाशय है इंग्लिश में, स्टमक। तो कुल मिला के गाय का जो मेन पेट है वो जिसमें असली पाचन होता है, जैसा हमारा एक ही पेट है, गाय के बहुत सारे पेट है, तो गाय का जो फाइनल पेट है वो एबोमेसम, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सत्य आमाशय। क्लियर? क्योंकि असली पाचन तो यही होता है। सत्य आमाशय में पाचन की क्रिया हो गई, पाचन होने के बाद वो खाना रेडी हो गया किस चीज़ के लिए? अवशोषण के लिए, मतलब उसमें से सारे पोषक तत्व अब निकल सकते हैं। तो पोषक तत्व फिर ये पूरा का पूरा खाना पिसा हुआ था, कहाँ है? छोटी आँख। छोटी आँख मतलब, छोटी आँख मतलब अतड़ी। छोटी आँख अतड़ी है, इसमें क्या होता है? इसमें खाना गुजरता है। और छोटी आँख में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं अंदर, विलाई जिनको कहा जाता है, ऐसे उंगली जैसी संरचना, और उनमें से खाना ऐसे गुजरता है। तो जब खाना गुजरता है ऐसे, तो उन उंगलियों से स्पर्श होता है, छूता है, तो वो उंगलियाँ क्या करती हैं? उस खाने से सारे पोषक तत्व तो खींच लेती हैं, है ना? सारे पोषक तत्व तो खींच लेते हैं। जैसे संतरे का जूस निकालने के बाद संतरे में क्या बचेगा? सिर्फ उसका गूदा, सिर्फ गूदा बच जाएगा, उसमें कुछ होगा नहीं। तो वही खाने में से पूरा का पूरा जूस कौन निकालता है? ये छोटी आँख। छोटी आँख में जूस निकालने का काम, मतलब अवशोषण का काम कौन करते हैं? उनको कहा जाता है विलाई। क्या कहा जाता है? विलाई। विलाई उंगली जैसी संरचना होती है। और छोटी आँख की लंबाई कितनी होती है? छोटी आँख की लंबाई होती है 40 से 45 मीटर। आप ये सोचो 40 से 45 मीटर की आँख, उतना लंबा पाइप पेट में गाय के, तो जाहिर सी बात है कि वो सीधा नहीं होगा, वो कॉइल्ड होगा, है ना, या फिर फंसे हुए होंगे। तो इसीलिए वो उसकी संरचना कैसी होती है? कुंडलित संरचना। ये मैंने कॉइलिंग की है इसके लिए, हाँ, कुंडलित संरचना होती है 40 से 45 मीटर की छोटी आँख होती है। उसमें विलाई होते हैं, वो भोज्य पदार्थों से क्या पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। बच गया गूदा, जूस निकल गया, बच गया गूदा, वो गूदा जाता है आगे बड़ी आँख। बड़ी आँख में, अब बड़ी आँख सोचता है कि ये कुछ तो आया है, इसमें से जो मिलता है उसको मैं भी अवशोषित कर लेता हूँ। बड़ी आँख में बचे पीछे पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। बड़ी आँख के बाद फिर उसके बाद एक होता है मलाशय।
एक होता है मलाशय, मतलब इसके बाद यहाँ पूरा का पूरा और जो शुरू करते हैं, फिर सिर्फ गूदा बच गया जो बाहर निकाले या फेंकने के लाए। तो यहाँ एक होता है मलाशय, यहाँ मल इकट्ठा होता है, गोबर इकट्ठा होता है, और फिर ये जो मैंने एनस लिखा है ये मल द्वार है, मतलब यहाँ से मल के मतलब वही जो गोबर है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर, इतना समझ में आया? एक बार रिपीट कर देता हूँ। गाय सबसे पहले भोजन खाती है, उसे चबाती है, भेज देती है रसनी और ग्रास में से होते हुए पहुँचता है कहाँ? रूमेन। रूमेन बड़ी सी संरचना है जहाँ स्टोरेज होता है, और इसकी संरचना टर्किश टॉवल जैसी होती है। रूमेन से वापस खाना जाता है मुँह में, वो गाय उसको फिर से बचाने के लिए और चबाती है, वापस वो खाना आता है रेटिकुलम में। रेटिकुलम की संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे होती है, वहाँ से खाना गुजरता है और पहुँचता है ओमेसम। ओमेसम गोलाकार संरचना है और इसके अंदर की संरचना किताब के जैसे, पुस्तक के जैसी होती है। यहाँ से खाना फिर फाइनली पहुँचता है पाचन के लिए एबोमेसम में, और असली पाचन एबोमेसम में होता है। ये दीर्घ वृत्ताकार संरचना है, इसलिए इसको कहा जाता है सत्यमाशय। सत्यमाशय इसलिए कहा जाता है क्योंकि असली पाचन इसी आमाशय में होता है। यहाँ से पाचन होने के बाद खाना पहुँचता है छठियाँ में, 40 से 45 मीटर लंबी छोटी आंत जिसमें विलायक पाए जाते हैं, वो विलायक पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। आगे जो गूदा बचता है उसे आगे भेजते हैं बड़ी आंत में, बड़ी आंत भी अपने लायक पोषक तत्व अवशोषित कर लेती है। फिर जो गूदा बच जाता है वो होता है मलाशय। अब ये मल है, ये मल निकले नाम मल द्वार से, मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिला के भोजन ग्रहण करने से लेकर मल द्वार से मल निकालने तक की प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन, क्योंकि इस प्रक्रिया में वो भोजन पचता है। क्लियर, और वो पूरा का पूरा कैनाल, देखो मैंने क्या किया है, मुंह से लेके मलद्वार तक सिर्फ एक ही पाइप बनाया है, उसकी मोटाई कहीं कम ज़्यादा कहीं छोटी बड़ी है, लेकिन ये सिर्फ एक पाइप है, इसलिए इसको कहा जाता है आहार नाल, क्योंकि इसमें आहार जाता है। ठीक, और मैंने क्या बताया कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका पेट 4 या 16 बड़ा होता है, पहला सेगमेंट। तो जिन भी जानवरों में पेट ऐसे 4 हिस्सों में बटा रहता है, उनमें पहला हिस्सा होता है रूमेन, और इस रूमेन की वजह से ही इन जानवरों का नाम होता है रूमिनेंट। हिंदी में हम इनको कहते हैं जुगाली करने वाले, जुगाली मतलब चबाना है ना, जबरदस्ती जो जो लोग गुटका चबाते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो ये गाय और भैंस गुटका नहीं चबाते, ये अपना ही खाना चबाते हैं, जो चबाते रहते हैं उनको कहा जाता है जुगाली करने वाले। तो जुगाली करने वाले पशुओं का पाचन तंत्र ऐसा होता है। और कौन कौन से पशु जुगाली करते हैं? जिनमें रूमेन होता है, मतलब ये पेट 4 खानों में बटा होता है। और किन किन पशुओं का पेट 4 खानों में बटा होता है? वो है गाय, भैंस, भेड़ बकरी, बकरी और ऊंट, ऐसे इसी के प्रजाति। फिलहाल 5 लोगों का नाम मैंने लिखा है 5 पशुओं का, तो आप ठीक। तो ये पाचन तंत्र इतने में समझ में आया, इसके बाद हम इनके और भाग पढ़ने वाले हैं, तो इतना नोट कर लीजिए। हम छोटी आंत हमने पढ़ी थी, पेट को 4 भागों में बांटा था, छोटी आंत 3 भागों में बटी हुई है। अब 3 भागों में कैसा? छोटी आंत से पहले क्या है? पेट है ना, और पेट का आखिरी हिस्सा एबोमेसम, सत्य अमाशय है एबोमेसम। तो वो हिस्सा छोटी आंत का जो एबोमेसम से जुड़ा है, वो छोटा सा हिस्सा, उसको कहा जाता है डियोडेनम। डियोडेनम वो छोटी आंत का पहला हिस्सा जो एबोमेसम से जुड़ा है, वो है डियोडेनम। इसी हिस्से में अग्नाशय खुलता है, और पित्तवाही से, मतलब पित्तवाही मतलब पित्ताशय से जो दक्त आई होती है वो पाचक तत्व यहाँ बनाता है। तो डियोडेनम जो है वो छोटी आंत का पहला हिस्सा है। ठीक, इसके बाद दूसरा हिस्सा जो गॉइड होता है, पूरा का पूरा भाग जो कॉइल होता है, उसको कहा जाता है जेजुनम। जेजुनम ये उसका नाम है। इसकी लंबाई लगभग 38 मीटर होती है। तो ये जो बड़ा सा हिस्सा है वो सिर्फ जेजुनम है। इसके बाद इसका लास्ट वाला हिस्सा थोड़ा सा जो जुड़ा होता है इसके बड़ी आंत के पहले हिस्से से, यहाँ मैंने बड़ी आंत बनाई है। बड़ी आंत का पहला हिस्सा है सीकम, ये जुड़ा है सीकम से। तो वो जो सीकम और जेजुनम को जोड़ रहा है वो है इलियम, छोटी आंत का आखिरी हिस्सा। तो इस तरह से छोटी आंत के 3 भागों में
पहला डियोडेना जो एबोमेशन से जुड़ा है जिसमें पित्तवाहिनी और अग्नाशय खुलते हैं, यहाँ ये अपना रस मिलाते हैं, फिर ये लंबा वाला हिस्सा जो कॉइल होता है कुंडलित होता है वह जेजुना, उसके बाद वाला हिस्सा जो बड़ी आंत के पहले हिस्से सीकम से जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड इलियम। ये हो गया, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। अभी तक हमने क्या देखा, ये आंत है, इतना हिस्सा छोटी आंत है, ये पूरा हिस्सा बड़ी आंत है। छोटी आंत का पहला हिस्सा डियोडेनम एबोमेशन से जुड़ा हुआ जिसमें अग्नाशय और पित्तवाहिनियां होती हैं, उसका दूसरा हिस्सा जो कॉइल होता है जेजुनम, तीसरा हिस्सा इलियम जुड़ता है किससे, बड़ी आंत के पहले हिस्से से, और बड़ी आंत के पहले हिस्से का नाम है सीकम। ये हिस्सा सीकम है, सीकम के बाद दूसरा जो हिस्सा है वो है कोलन, कोलन। सीकम जो है उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है, कोलन। सीकम की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है, कोलन की लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। कोलन के बाद आखिरी में जो सबसे लास्ट वाला भाग है वो है रेक्टम, और ये रेक्टम क्या है, पूरे आहार नाल का आखिरी भाग, और रेक्टम के आखिरी भाग को कहा जाता है मल द्वार। ठीक, तो ये पूरी तरह से एक गाय का पाचन तंत्र इस लेक्चर में खत्म हो गया। ठीक।